दक्षा जी, इस समय देश के अंदर एक खूनी खेल चल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके अंदर राज्य सरकारों को अलग अलग मौके पे चिन्हित करके, उनको टारगेट करके, उन सरकारों को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये खेल पिछले कई सालों से खेला जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर एक प्रयोग हुआ जिसके अंदर एकनाथ शिंदे जी का इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश में एक प्रयोग हुआ जिसके अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इस्तेमाल हुआ। और वैसा ही सरकार को, दिल्ली की सरकार को तोड़ने के लिए खेल खेला गया, जिसके अंदर हमारे यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का प्रयोग करने का कोशिश की गई। लेकिन दिल्ली अन्य राज्यों से बहुत अलग है। यहाँ की पार्टी की विचारधारा बाकी अन्य राज्यों से बहुत अलग है, बाकी की पार्टियों से बहुत अलग है। इसीलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, और जो उनका लक्ष्य था दिल्ली के अंदर सरकार तोड़ने का, वो कामयाब नहीं हो पाया। इस समय केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर, राज्य सरकारों के ऊपर दबाव बनाकर, कि या तो वो सरकारें टूटें, या तो वो सरकारें खत्म हो, या फिर उस सरकार के अंदर बैठे हुए लोग वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाएं, और वहाँ हर राज्य के अंदर एक एक करके जो है भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है कि वहाँ पर उनकी सरकार बने, और उनकी सरकार ही पूरे देश के अंदर एक एक करके पूरे देश के अंदर सरकार उनकी सब जगह बन जाए, और भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज्य हो, ऐसा इनका सपना है, जिस सपने को पूरे करने के लिए ये दिन रात लगे रहते हैं। सरकारी एजेंसीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी एजेंसियाँ का दुरुपयोग किया जा रहा है, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसा लगता है कि सरकारी एजेंसियों के मुंह खून लगा दिया है उनको। जिस सरकार, जो भी सरकार बैठी हुई है केंद्र में, इनको ये लगता है कि ये इस तरह से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके वो अपने सारे जो जो गलत उनकी मंशाएं हैं उनको पूरी कर लेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये एजेंसियां जो हैं वो सरकार जिसकी होती है उसी के लिए काम करती हैं। आज भले ही जो है वो इनके इशारे पे काम कर रही है, कल को जब जब समय आएगा और जो दिख रहा है जब केंद्र में सरकार पलटेगी, तो ये वो सारी एजेंसियां जो हैं नई सरकार के पीछे खड़ी होंगी, और ये कह रही होंगी कि हजूर बताइए हमें क्या करना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाला समय, जब हम मुझे ध्यान है कि लगभग 1.5-2 साल पहले जब लोग बात करते थे कि इनका नरेंद्र मोदी का क्या होगा, कैसे इनको हटेंगे, कैसे हटाया जाएगा, 2 साल के पहले जब लोग पूछते थे तो सही मायने में बताऊं आपको कि ये कहना बड़ा मुश्किल था कि ये इनकी सरकार कैसे हटेगी, नरेंद्र मोदी जी कैसे हटेंगे। लेकिन मन में अपने आप ये चीज़ आती थी कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो, उनको हटने का रास्ता तरीका एक ही है, वो उनके खुद के कर्म होंगे जो उनको हटाएंगे। और मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया है। इन्होंने एक एक करके जो देश के अंदर हालात बनाए हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, सरकारों को तोड़ने का प्रयास किया है, और जिस तरह से अन्य जो 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 मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों पर ये सरकार फेल हो गई है। ऐसा अपने आप बन गया है कि जिन मोदी जी को देख के लगता था कि इनको हटाना बहुत मुश्किल है, आज इन्हीं के अपने कर्मों की वजह से ऐसा लगता है कि ये सरकार बहुत जल्द जाने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल गए हैं कि जिस जगह से निकल के आए हैं, जिस लड़ाई को लड़के ये आए हैं, आज इन्होंने देश में वो हालात बना दिए। ये भूल गए हैं कि 77 में इन्होंने कहा था कि लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, इनका नारा था 77 के अंदर, और जिसको लेके ये सड़कों पे आए थे। आज इन्होंने देश में बिल्कुल वही हालात बना दिए हैं। उस समय ये कांग्रेस के विरोध में खड़े होकर ये बोलते थे कि लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, आज बिल्कुल हूबहू वही ये काम ये कर रहे हैं। और ऐसा ऐसा अपने आप इन्होंने हालात बना दिया है कि बहुत जल्द इनकी सरकार देश से जाने वाली है। हिंदूवादी अपने आप को कहते हैं, ये कहते हैं कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं, हिंदू के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मेरा ये इसमें निवेदन था कि आज अगर ये लोग होते तो हम उनको जो है सामने देख के बात करते, कि एक महाभारत के अंदर एक दृष्टांत है जहाँ पर यक्षराज से बातचीत में युधिष्ठिर से पूछा गया कि भाई ये बताओ कि सबसे राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। तो युधिष्ठिर ने ये कहा था कि राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन अराजकता है।
और आज देश के अंदर वही हालात बन रहे हैं, जगह जगह जिस तरह से सरकारों को तोड़ने का प्रयास चल रहा है, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब लोग अपने आप सड़कों पर आ जाएंगे, लोग अपने आप सड़कों पर आके इस सरकार का विरोध करेंगे और सरकार को हटना पड़ेगा। हमें हमें बार बार इस बात को लेके हमारी सरकार को जो है लेके केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ताना देती है और जगह जगह बोलती है कि रेवड़ी वाली सरकार, रेवड़ी बांटने वाली सरकार जो नहीं चलेगी। इनको शायद अंदाजा नहीं है कि गरीब आदमी को इस सरकार से क्या मिल रहा है, इस गरीब आदमी को कितना बड़ा सुख इस सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अगर ये किसी गरीब आदमी से कभी मिले हो, उनसे बात करी हो, तो ही इनको ये पता लग पाएगा कि आज दिल्ली के अंदर एक आम आदमी जो है कितना निश्चिंत है इस बात को लेकर। उसके घर में कमाई नहीं है, उसके घर में कोई साधन नहीं है, फिर भी उसको इस बात की निश्चिंता है कि मेरा बिजली का बिल नहीं आएगा, मेरा पानी का बिल नहीं आएगा, मेरे बच्चे को शिक्षा चाहिए वो सरकारी स्कूल में मिल जाएगी, अस्पताल में इलाज चाहिए इलाज मिल जाएगा। ये जो निश्चिंता है ये दिल्ली की सरकार ने आज यहाँ पर दिल्ली के लोगों को दी है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके लोग बहुत नाराज़ है। मोदी जी ने जो ये भाषण दे दे के बार बार इसको फैलाने की कोशिश की है, कल के अखबार में था कि जहाँ पहले सुप्रीम कोर्ट भी इनका पक्षधार बन रही थी और कह रही थी कि इसे विचार करना चाहिए, कल के नवभारत टाइम्स में मैंने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट भी अब ये कह रही है कि सारी पार्टियां जो है मिलकर तय करें कि इस पर क्या काम होना चाहिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनको सुप्रीम कोर्ट से ही सीखना चाहिए कि उन्होंने हालात देके ये आकलन कर लिया है कि इस विषय के ऊपर जो है उनको बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। एक वेब सीरीज है, कल ही रिलीज हुई है, महारानी इसका नाम है, उसमें एक डायलॉग है, उसको बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। उसमें एक डायलॉग है, उसमें वो ये बोलता है कि सत्ता का नशा जो है वो धतूरे के जैसा होता है। जो लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं वो जानते हैं धतूरे का मतलब क्या होता है। सत्ता का नशे धतूरे के जैसा होता है, धतूरा, धतूरे का नशा जो है सत्ता का जैसा होता है, और ये बड़ा खतरनाक होता है। इसमें आदमी को लगता है कि जो वो कह रहा है वही सही है, उसकी कुर्सियां जो है कमजोर होके, उसकी कुर्सियों के पाए कमजोर होके हिल रहे होते हैं, उसको लगता है कि कोई उसको झूला झूला रहा है। इसमें आखिर में ये कहा गया कि आपको आंखें खोलनी चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए। इस समय केंद्र सरकार की हालत बिल्कुल वैसे ही है कि ये सत्ता के नशे में है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, इनको लग रहा है कि जो हम कह रहे हैं बस वही सब कुछ ठीक है। आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए मैं कहूँगा कि आने वाला समय जो है वो ये कह रहा है कि जो लोगों की सेवा करेगा, जो उनके हित उनके अधिकार के लिए खड़ा होगा और जो उनकी समस्याओं को लेकर संघर्ष करेगा, वो लोग जो है लोकसभा विधानसभा में जाएंगे, बाकी सब लोग बाहर निकलेंगे। ये देश के लोगों ने जो है आम आदमी पार्टी के मॉडल को चुन लिया है, इस पर माहौल लगा दिए, और जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी जा रही है वहाँ सब जगह जो है उनको स्वीकारता मिल रही है। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है, हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी का है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।